क्रिकेट के खेल में प्रतिभा के साथ ही किस्मत का भी बड़ा रोल होता है। इस खेल में हमने कई ऐसे बदकिस्मत खिलाड़ियों को देखा है जिनका करियर चोट के कारण समाप्त हो गया, लेकिन कई बार यही चोट दूसरे खिलाड़ी को मौका दे जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताएंगे जिसे अपने साथी क्रिकेटर के इंजर्ड होने के कारण टीम में जगह मिली थी और फिर इस खिलाड़ी ने मौके का इतने शानदार तरीके से फायदा उठाया कि उसे टीम में ड्रॉप करना मुश्किल हो गया। हम बात कर रहे हैं भारतीय क्रिकेटर दिनेश मुंगिया की, जिनकी प्रतिभा का पूरे भारतवर्ष में चर्चा था। दिनेश मुंगिया उस सदी के एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनमें कुछ करने की चाह मौजूद थी और इस खिलाड़ी ने आखिरकार कर दिखाया था। दिनेश मुंगिया का जन्म 17 अप्रैल 1977 को पंजाब के चंडीगढ़ शहर में हुआ था। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे। क्रिकेट के शौकीन मुंगिया के पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर आर्मी ज्वाइन करे, लेकिन जब मुंगिया 17 साल के हुए तब उन पर अचानक से क्रिकेटर बनने का नशा सवार हो गया। वो अब आर्मी को छोड़कर क्रिकेटर बनने के सपने देखने लगे। अपने क्रिकेट पर फोकस करने के लिए मुंगिया ने अपने पिता से झगड़कर चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में एडमिशन लिया। 1995 में उन्हें साउथ अफ्रीका के अंडर 19 टीम के खिलाफ खेलने के लिए भारत के अंडर 19 टीम में शामिल कर लिया गया। इस प्रतियोगिता में दिनेश मुंगिया ने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। उनके इस प्रदर्शन के बाद सुनील गावस्कर जैसे बड़े क्रिकेटर ने दिनेश मुंगिया की खूब तारीफ की। साल भर के अंदर ही दिनेश मुंगिया पंजाब की फर्स्ट क्लास टीम में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए, लेकिन अब वो कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे थे जिसके कारण उन्हें भारत की नेशनल टीम में जगह मिल सके। साल 2001 में दिनेश मुंगिया डोमेस्टिक क्रिकेट में अलग ही तरह की फॉर्म में थे। उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में 2 दोहरे शतक जड़े और रणजी ट्रॉफी में 1 तिहरा शतक भी लगाया। इस प्रदर्शन के बाद सिलेक्टर ने मुंगिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारत की वनडे टीम में शामिल कर लिया। पुणे में खेले गए सीरीज के दूसरे मैच से उन्होंने अपने वनडे करियर का आगाज किया, लेकिन मुंगिया इस मैच में महज 2 रन बनाकर आउट हो गए। साल 2002 में जिम्बाब्वे की टीम 2 टेस्ट और 5 वनडे सीरीज के लिए भारत आई थी। मुंगिया को वनडे सीरीज के लिए टीम में चुना गया। सीरीज के पहले पता चला कि वीरेंद्र सहवाग चोटिल होने के कारण टीम से बाहर हैं और वो जिम्बाब्वे सीरीज में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ये बात टीम के कप्तान सौरभ गांगुली के लिए एक बड़ी परेशानी बन गई थी। टीम में सचिन पहले से ही नहीं थे और सहवाग के चोटिल होने के बाद गांगुली के सामने पारी की शुरुआत किसे करवाई जाए, ये समस्या खड़ी हो गई थी। जिम्बाब्वे सीरीज शुरू होने से पहले जब कुंबले ने देखा कि दादा के पास ओपनिंग में उनका साथ देने के लिए कोई नहीं है, तब उन्होंने मुंगिया का नाम उन्हें बताया और मुंगिया ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। सीरीज के पहले 4 मैचों में उन्हें स्टार्ट मिली, लेकिन वो उसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। फिर गुवाहाटी में खेले जाने वाले 5वें वनडे से पहले शाम को जॉन राइट, संजय मंजरेकर और दिनेश मुंगिया साथ में बैठे थे। संजय ने बातचीत के दौरान जॉन राइट से कहा, ये जो लड़का है ना, इसकी रेपुटेशन 50-50 रन बनाने की नहीं है, इसकी रेपुटेशन 200-300 रन बनाने की है। अगले दिन मुंगिया ने ऐसी बैटिंग की उन्हें जिम्बाब्वे का कोई भी गेंदबाज आउट नहीं कर पाया। दिनेश मुंगिया उस मैच में नॉट आउट 161 रन बनाकर वापस लौटे। 19 मार्च 2002 को खेला गया यह मैच। इस पारी की बदौलत मुंगिया पहले वेस्टइंडीज गए, फिर इंग्लैंड में नेटवर्थ सीरीज भी खेले। सिलेक्टर्स और टीम के कप्तान सौरभ गांगुली को मुंगिया पर इतना ज्यादा भरोसा हो गया था कि उन्होंने 2003 विश्व कप के लिए VVS लक्ष्मण से ज्यादा मुंगिया पर भरोसा दिखाया। यूं तो इस वर्ल्ड कप में गेंद और बल्ले से कोई खास कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन फाइनल मैच में रिकी पोंटिंग को LBW करने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। फाइनल मैच में 38वां ओवर फेंकने आए मुंगिया की पहली ही गेंद पर पोंटिंग ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे पोंटिंग के पैड पर जा टकराई। मुंगिया और विकेटकीपर राहुल द्राविड़ ने जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर स्टीव बकनन ने इस अपील में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। बाद में रिप्ले में देखने पर पता चला कि पोंटिंग आउट है। अप्रैल 2003 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ढाका में खेले गए एक मैच में दिनेश मुंगिया ने 38 गेंदों पर नाबाद 55 रन की पारी खेली थी। बांग्लादेश में खेले गए ट्राई सीरीज के बाद वो टीम से बाहर हो गए। तो गाइस, ये थी उस महान खिलाड़ी की
जानकारी, जिसने अपने करियर में बहुत से भारतीय फैंस का दिल जीता है। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी वीडियो को एक लाइक करें और साथ ही साथ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह की क्रिकेट जगत से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।